नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और हमारे साथ आज हैं शिवम कुमार। शिवम कुमार जो कि हवेली खड़गपुर मुंगेर से हैं, और हम आपको बता दें कि हवेली खड़गपुर एक समय में एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहां की नक्सलियों का गढ़ उस क्षेत्र को माना जाता था। उस जैसे क्षेत्र से निकलकर भागलपुर तक का सफ़र तय किए हैं शिवम ने, और शिवम भागलपुर में रहकर ये पढ़ाई करते हैं। और बहरहाल आज ये भागलपुर महोत्सव में मॉडलिंग प्रतियोगिता में ये पार्टिसिपेट किए थे और ये वहाँ पर विनर बने हुए हैं। तो हमारे साथ शिवम कुमार हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इनको क्या ऐसा कॉन्फिडेंस था इनके अंदर कि ये यहाँ जीत पाएंगे। शिवम कुमार, सबसे पहले तो शिवम जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज भागलपुर महोत्सव का आखिरी दिन था, अंतिम दिन था, और आप विनर बन गए, सोचा था आपने? ऐसा तो नहीं सोचा था, बट अपना 100% देना था, एंड जब बाकी सब फ्रेंडों का सपोर्ट था, एंड बस अपना 100% देना था, बस इसके आगे कुछ नहीं, बस। आपके विनर बनने के सवाल पे हम लौटेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो सवाल। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, खड़गपुर, हवेली खड़गपुर, हवेली खड़गपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, माना जाता है, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है, तो कैसा अनुभव रहा होगा वहाँ का और यहाँ का? वहाँ पे जस्ट लाइक वो सोच नहीं है, वो थिंकिंग नहीं है कि वहाँ के बंदे कुछ कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ वहाँ सोचा जाता है कि टैलेंट है ही नहीं, बट ये गलत है। वहाँ टैलेंट है, बस उसे निकालने और उसे समझने की ज़रूरत है, और यहाँ वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है। एंड मेरे ग्रुप एंड मेरे सर जो हैं, वो दया सर भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ताकि वहाँ के जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं वो सारे यहाँ पहुँचे, यहाँ क्या पूरे इंडिया में पहुँचे, और सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, माइको, जैसे माइको ग्रुप। ये कोशिश जारी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके जो भी ग्रुप हैं, उनका जो भी प्रयास है, बच्चों का प्रतिभा निखारने का जो उन्होंने काम कर रहा है या किया हो, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वैसे क्षेत्र में जहाँ पर नक्सलियों का एक समय, हम आपको बता दें कि गढ़ माना जाता था हवेली खड़गपुर, और वहाँ पर जाकर अगर कोई व्यक्ति अगर प्रतिभा निखारने का काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनको मेरी तरफ से। बहरहाल एक सवाल आपसे, आप आज यहाँ पर विनर बन गए हैं, और आगे का जो सफ़र रहेगा वो सफ़र या फिर सीमित हो जाएगा या फिर ये सफ़र चलता रहेगा? मेरे सर और मेरा मानना है कि हमेशा शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप जीत गए हैं तो ये ना सोचे कि आप जीत गए हैं तो बस आप जीत गए हैं, आपको फिर से 1 से 100% के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप में जो परसेंटाइज है डेवलपमेंट की वो ज़्यादा हो सके और आप में इंक्रीजमेंट हो। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जीत गए हैं और फिर उसके बाद बस हो गया, देन आपका इंक्रीजमेंट खत्म हो जाएगा, एंड आप, मुझे नहीं लगता कि आप प्रोग्रेस कर सकोगे। एंड हमेशा हमेशा एक मेरा सवाल रहता है कलाकारों से या फिर किसी भी मन से, अगर कोई विजयी होते हैं, विनर बनते हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल रहता है कि एक ऐसी बातें जो समाज में एक संदेश देना चाहें, ऐसा कुछ आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं आज सिल्क टीवी से, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सिल्क टीवी के माध्यम से मैं भी चाहता हूं कि समाज के लिए आपका एक कोई ऐसा संदेश। संदेश तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक संदेश से तो देश पूरी तरह से, बहरहाल एक संदेश यहाँ से पूरी तो नहीं। ओके, या देन मैं चाहूँगा कि मिस्टर भागलपुर का अवार्ड मिला है, देन भागलपुर के लिए ही कुछ बोलूँ। जस्ट लाइक दिल्ली में आप लोग देख ही रहे होंगे पॉल्यूशंस को लेकर के जो बहुत ही बुरी हालत, तो मैं ना चाहूँगा कि ये हालात भागलपुर में देखने को मिले। और मास्क लगा करके घूमते हैं जितने भी बंदे, तो मास्क लगाने से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि पॉल्यूशंस आपके साइकिलिंग्स, आपके व्हीकल्स कम यूज करने से ही
कम हो सकेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा ये संदेश रहा और ये जो आपकी सोच है इसका मैं समर्थन करता हूँ। और वाकई में हम ये जो संदेश था शिवम कुमार का, बढ़िया संदेश था। और बहरहाल आप हमको सिल्क टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सलमान अनवर हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा और शिवम से बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।